अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का नया दिन आपके लिए हज़ारों खुशियाँ लेके आया हो। तो जी बस इसी के साथ यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि सैलाब की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला अपने खैर करे, करम करे जी हमारे मुल्क में। तो जी आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पास्ता। तो उस दिन मैंने दिखाया था, आज उसको मैं स्पाइसी और सॉस, चीज़ी सॉस बनाती हूँ जी। वो आज आपके साथ सॉस शेयर करूँगी। तो ये बहुत मज़े का स्पाइसी एंड चीज़ी सॉस पास्ता बनाऊंगी विद वेजिटेबल। तो अब चलते हैं जी पास्ता बनाते हैं। जी मैंने दो लहसुन की लिए हैं पीस, उनको बारीक बारीक कर लिया। तो इसमें मैंने ये थोड़ा सा बटर डालना है, तकरीबन टीस्पून एक डाला जी। ठीक है, तो अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर इसकी सॉस बनाते हैं। जी मेरे पास एक पैकेट था पास्ते का 400 ग्राम का। ठीक है, तो इसमें मैंने 2 टीस्पून नमक डाल दिया। 2 टीस्पून नमक डाल दिया जी। अब इसमें 2 टीस्पून ही मैं डालूंगी ऑयल। बट इधर क्योंकि सॉस का लहसुन रेडी हो चुका होगा, तो इसमें पहले जी मैं टमाटर फेंक दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ऑयल डाल के। ये जी लहसुन को मैंने ब्राउन कर लिया था, ठीक है, बटर में। तो जी अब मैंने इसमें ये टमाटर एक पीस के रख लिया था अपने पास, वो डाल दिए। तो आप लोग टमाटर पूरी है आपके पास, जो पेस्ट मिलता है, जो भी आपका दिल करे वो भी डाल सकते हैं। मैंने फ्रेश टमाटर ही डाल दिया जी। अब इसका जी हमने पानी ड्राई करना है फुल, ये अच्छे से इसको पकाना है, फिर आपको दिखाऊंगी। ये जी हमारा हो गया टमाटर, ठीक है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल भी डाल दिया था, वो दिखाना याद नहीं रहा बटर के साथ, ठीक है। अब मैं इसमें ये वाला 1 स्पून मैंने पास्ते का पानी लिया जी, वो डाल दूँगी मैं। ये देखें कि पानी ड्राई हो गया हमारा, ठीक है। अब मैं इसमें दूध ऐड कर दूंगी। ये जी जो मैं चम्मच से दूध डाल रही थी, वो तकरीबन मैंने 4 चम्मच दूध डाला है इसमें, ठीक है। तो अब मैं इसमें ये हाफ क्रीम डालूंगी, 250 ml, ठीक है जी। ये जी मैं इसके सॉस के अंदर डालने लगी हूँ। नमक मैंने कम लिया क्योंकि पास्ते के पानी में भी नमक था, तो वो मैं चख लूँगी जी डाल के। ये मैंने बिल्कुल चौथाई ही हिस्सा लिया है टीस्पून का, और 1 चम्मच भर के लिया जी ये वाली दादर मिर्ची, और आधी चम्मच ब्लैक पेपर लिया है, और ओरिगैनो पार्सले थोड़ा थोड़ा सा लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी जी। मैंने बस 1-2 स्लाइस चीज़ वाले डाले हैं, लेकिन आप इसमें यहाँ पे चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी क्रीम और सॉस थिक हो जाएगी जी। मैंने नहीं पर डाला क्योंकि वो बेटी नहीं डालने दे रही, तो बस इसलिए मैं नहीं डालूँगी। ये जी मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, ठीक है। इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 चम्मच डाल दी है, तो बस इसको हल्का सा होता तो मैंने वेजिटेबल जी रख ली है पास, शिमला मिर्च और गाजर है मेरे पास, तो ये मैं इसमें ऐड करूँगी। बस ये इसको हल्का सा करके इसमें मैंने वेजिटेबल डाल दूँगी। अब ये मेरे पास वेजिटेबल हैं, ठीक है जी। ये जी हमारा हो गया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो मैंने इसमें ये वेजिटेबल ऐड किए हैं। तो बस अब मैं साथ में बंद गोभी काट लूँ जी, तब तक इसको ज़रा 2 मिनट फ्राई करते हैं। ये जी सब्ज़ियाँ मेरी हो गई थी, 5 मिनट मैंने दिए। अब इसमें मैंने मेयोनीज़ और केचप डाल दिए थोड़ी सी, ठीक है, ताकि इसमें मैंने जो नमक मिर्च डालना है वो पक जाए, और इधर हमारी वो सॉस भी रेडी है जी। ये जी मैंने बस टीस्पून का जो 1/4 हिस्सा इधर डाला जी, 1/4 इधर डाल दिया है। बाकी मैं टेस्ट कर लूँगी, नमक ज़्यादा ना हो जाए जी, क्योंकि पास्ते में भी नमक है ऑलरेडी। तो काली मिर्ची डाली है मैंने इसमें, और थोड़ी सी कुटी हुई डालूँगी जी साथ में। थोड़ा सा चिली पाउडर भी डालूंगी जी। चलें जी अब ये हमारा ज़रा 2 मिनट पक जाए, नमक मिर्च वगैरह सब कुछ इसमें अच्छे से, फिर बंद गोभी ऐड करूंगी जी मैं। ये जी इसमें हम केचप ऐड कर रहे हैं, केचप ऐड करूंगी और मेयोनीज भी 2 चम्मच ऐड करूंगी। मैंने इसमें बंद गोभी ऐड कर दी अब, क्योंकि हमारी नमक मिर्च वगैरह पक गई हुई थी उसमें, तो मैंने इसमें ये ऐड कर दिया जी। अब इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी साथ में। ये जी मैं इसमें पास्ता डाल के साथ साथ मिक्स कर रही थी, ठीक है जी। तो ये जी मैं कर दूँ, आप में से जो जो इंस्टाग्राम पे है वो जी मुझे फॉलो ज़रूर करें, मेरा उस पर भी है, इंस्टा पे भी मैं रोज़ डालती हूँ जी।
तो आप लोग ज़रूर तो मुझे फॉलो कीजिए। चलें जी, बस अब इसमें सॉस ऐड कर दूँ मैं, ठीक है जी। ये जी मैंने सारी सॉस इसमें डाल दी है, ठीक है। अच्छा जी, मैंने सॉस में दूध डाला था, ठीक हो गया। क्रीम डाली थी, मेयोनीज डाली है थोड़ी सी, केचप डाली है टमाटो, क्योंकि मैंने चीनी नहीं डाली, लोग फिर उसमें चीनी डालते हैं, मैंने केचप भी डाल दी है क्योंकि बाद में भी तो डालनी थी। तो बटर के साथ मैंने ऑयल ऐड कर लिया था, और मैंने टमाटर बहुत कम दिया है क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद नहीं जी। तो आप लोग अगर टमाटर पेस्ट ले रहे हैं तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से देख लीजिएगा जी। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, और आप इसके ऊपर मोजरेला भी डाल सकते हैं और चेडर भी डाल सकते हैं। ये जो थोड़ा सा मेरे पास ग्रीन ऑनियन था, मैंने कहा डाल दो, ज़रा खूबसूरत लगेगा, इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर भी आ जाएगा जी। तो बस यही ऐड किया मैंने। ये जी हमारा बन गया, ठीक है। बस इसको ये मैंने 1-2 मिनट तो हो भी गया बल्कि दम के लिए, देख ले आप। बस मैंने इसमें जो चीज़ नहीं डाली, लेकिन आप लोग चीज़ ऐड करेंगे तो बहुत ही चीज़ी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जी रेडी हो चुका है, बस मैंने अब चूल्हा बंद कर दिया। ये जी हमारा यमी सा चीज़ी क्रीमी पास्ता रेडी हो चुका है, ठीक है। तो मैंने कहा निकालते भी आपको दिखा दूं जी। तो ये है कि ये बड़ा हेल्दी वेजिटेबल चीज़ी पास्ता है, स्पाइसी। तो आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर बना के दीजिएगा, इसमें उनको चेडर चीज़ डाल के दे दीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा जी। आप इस पे स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, ब्लैक ऑलिव डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद है जी। तो बस ये आप इंजॉय करें, खाएं, तो इंशाल्लाह आपके पसंद आएगा बहुत ज़्यादा। चलें जी। पास्ता देख लिया कितना सॉफ्ट और मज़े का क्रीमी है, लेकिन हमारा क्रीमी कम है। आप लोग इसको जितना क्रीमी चाहे आप बढ़ा सकते हैं, आप इसमें टमाटो पेस्ट ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने एक टमाटो की बनाई है, अगर आपको ज़्यादा लिक्विड पसंद है इसमें कि बहुत ज़्यादा डूबा हो तो जी आप 2 टमाटो ले लें, आप 3 ले लें, उसी हिसाब से। लेकिन दूध ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने एक टमाटो लिया था और ये वाला चम्मच मैंने जो मेरे पास था, ये मैंने 4 दूध के डाले थे, ठीक है। और 1.5 मैंने पानी का लिया था, जो पास्ते का लिया था, और क्रीम भी मैंने हाफ डाली है। तो आप लोग इसी हिसाब से मेजर करके इस सॉस को एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं और स्पाइसी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें चेडर चीज़ मैंने ऐड नहीं की, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि मेरे बच्चों ने बोला मामा ना ऐड करें फिर हम नहीं खाएंगे जी। तो मैंने बच्चों के लिए बनाया है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से जी कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, बहुत बहुत अच्छा, मज़े का, हेल्दी और बहुत इजी है। मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम 30 मिनट में जो ये रेडी हो गया सब कुछ, सॉस भी, पास्ता भी, एवरीथिंग। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उसका बहुत शुक्रिया, जजाकअल्लाह जी। बस आप अपने फ्रेंड के साथ, आप अपनी फैमिली के साथ, अपने जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है, प्लीज़ उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकें। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।